10th ICSE board, and in this video we are going to solve problem based on similarity lesson. Okay, and introduction part already I had explained you in previous video. In that I had told you about how two triangles, how two shapes are similar and what is the difference between congruency and similarity. And I had also told you about how two triangles are going to be similar, what are the tests for that, what are the conditions for that, and the most important thing, how to write proportional sides in similar triangles. So you can watch that video also. Now see, problems based on similarity triangle. Here I am following concise mathematics by R.K. Bansal, and that is Selenia publication. Okay, so I am following that. I am taking sums from that book. So the first problem is a perpendicular drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle divides the triangle into two triangles similar to each other and also to the original probit. Oh God, itna bada problem. इसको पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या है. इट इज वेरी इजी अगर आप इसको आराम से रीड करो. कभी भी आप ये रीड करो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले आप इसको समझो. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले उसको आपको अच्छे से समझना है. इन ज्योमेट्री यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम. आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या पूछा है और आपको क्या सॉल्व करना है. ठीक है, कभी भी मगअप नहीं करना है कि हाँ वर्टेक्स और वर्टेक्स क्या है ये है, मतलब आपको मगअप बिल्कुल भी नहीं करना है. जस्ट आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप डायग्राम ड्रॉ करो ज्योमेट्री में. कभी भी पहले आप रफ डायग्राम ड्रॉ करो और उसी में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये कैसे होगा. एंड दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. नाउ सी, अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, तभी तो ऐसे बस ऐसे ब्ला ब्ला पढ़ दिया. नाउ लिसन, ध्यान से सुनिए. अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल. See, a perpendicular drawn from the vertex of the right angle. ठीक है, एक right angle से क्या draw किया है, perpendicular draw किया है from the vertex of right angle. उसके बाद of a right angle triangle. कैसा triangle है, एक triangle है, right angle triangle है, और जिसमें कि right angle के vertex पे, vertex समझ में आता है आपको क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल के, दैट आर द वर्टेक्स. ठीक है, जो तीन पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल में, कितने पॉइंट्स होते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ट्रायंगल, देयर आर थ्री पॉइंट्स लाइक दिस. ओके, इस तरीके से. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए बी सी, तो ए बी सी दीज आर द वर्टेक्स और वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ओके, और परपेंडिकुलर क्या होता है, व्हाट इज परपेंडिकुलर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये इसका साइन होता है. परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, 90 एंगल. ठीक है, एंगल क्या होगा, 90 होगा. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. एक अच्छा सा आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए. ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी. फिर उसमें क्या बोल रहे हैं, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स. ठीक है, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, कौन सा वर्टेक्स, कौन सा पॉइंट, जो राइट एंगल है. इसमें मैंने ये बी को राइट एंगल लिया. आपको पता है ना राइट एंगल हमेशा ऐसे शो करते हैं हम, एंड राइट एंगल मतलब कितना होगा, 90 डिग्री. ठीक है, सो नाउ दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट क्या कह रहे हैं, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. मतलब अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करूं यहां पे, ठीक है, और इसको हमने नाम लिख दिया ए बी डी, वॉट एवर इफ यू वॉन्ट टू टेक एम, टेक इट एम, जो भी आपको पसंद है. नाउ डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स. Obviously, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, उसको जो ये वर्टेक्स है बी, वर्टेक्स बी से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो परपेंडिकुलर है,
वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कितने ट्राइंगल्स है यहाँ पर, कितने ट्राइंगल्स है यहाँ पर, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है आपको, जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है ट्राइंगल एबीसी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है आपको, ये टू और ये थ्री और एक बिगर वन, ये टू कौन सा हो गया, ट्राइंगल ए बी एम, और थर्ड ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है हमें, बी एम सी। ये तो इतना हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता चल गया, अभी हम तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़े हैं, तो इतना हमें ये बात पता चल रही है यहाँ से। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल सिमिलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द ओरिजिनल, प्रूव इट। हमको दिया क्या गया है इस क्वेश्चन में, हमें दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें राइट एंगल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और साथ में ये दोनों ट्रायंगल जो बड़ा ओरिजिनल ट्रायंगल है उसके भी सिमिलर होंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस, बहुत इजी है। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इससे ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये जो तीनों ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल कौन से है, एक जो बिगर वाला ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल कौन सा है, आई विल ड्रॉ विद ब्लैक ताकि आपको समझ में आए, ये ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया और ये थर्ड वन, ये तीनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। दिस ऑल दिस थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव ऑल दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम बी is similar to triangle CMB, ये तीनों triangle एक दूसरे के similar है। अभी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है नाम, ठीक है, triangles के name मैंने ऐसे ही लिखे हैं, उसको हमें similar proper लिखना होता है, ठीक है। So have you understood this much कि question क्या दिया गया है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी है, आप बिल्कुल भी मतलब पैनिक नहीं होना है कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन ये क्या हो गया। आपको क्या करना है, जैसे आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब हमें क्या करना है, एक बिगर ट्रायंगल को ये ट्रायंगल से सिमिलर करना है या फिर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, एक एक करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और एक छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट वन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम बी, ठीक है, मैंने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया है, एक बिगर वन लिया है, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, और उसके बाद मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है। अब इन दोनों में हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो आपको सिमिलैरिटी के कंडीशंस लर्न है, टेस्ट लर्न है, क्या क्या थे बताए थे मैंने, एसएसएस टेस्ट, मतलब तीनों साइड्स उनकी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, एए टेस्ट, एए टेस्ट क्या होता है, कोई भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और थर्ड क्या था, एसएएस टेस्ट, एसएएस टेस्ट क्या होता है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी और एक एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सी अगेन आई एम रिपीटिंग, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, पहला उनकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, कॉन्ग्रुएंट में साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इक्वल होती हैं, उनके साइज सेम होते हैं, पर यहाँ पे क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरा क्या होता है, उनके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने दो ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम बी। अब ट्रायंगल ए बी सी और ए एम बी दोनों में क्या आपको कोई राइट एंगल दिख रहा है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ तो इसमें ये राइट एंगल है और इसमें ये राइट एंगल है, इट मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एम बी, रीजन क्या है, ईच 90, ओके, या बोथ द एंगल्स आर 90। After that, उसके बाद आपको क्या, एक तो हमें मिल गया एंगल, अब उसके बाद आपको और कुछ दिख रहा है, ये जो एंगल ए है ये दोनों में है, isn't it? एंगल ए ये दोनों में आप यहाँ भी देख सकते हो, so this is common angle, तो
तो इसको हम लिखेंगे बी ए एम एंगल बी सॉरी एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए एम और आप एंगल ए भी लिख सकते हो सिर्फ क्या होगा इसका रीजन कॉमन एंगल ये दोनों में है ठीक है ये कॉमन एंगल है अब हमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो इसलिए क्या होगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर सिमिलर का साइन आपको पता ही होता है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू अब देखिए यहाँ पे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए तो इसलिए हम ए पहले लिखेंगे बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम तो हम एम लिखेंगे बी आपको नाम बहुत ही प्रॉपरली लिखना है ठीक है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम बी तो ये फर्स्ट वन तो हमारा प्रूफ हो गया ये जो हमें प्रूफ करना था फर्स्ट कि जो बिगर ट्रायंगल है ये इसके सिमिलर है नाउ नेक्स्ट वन अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है ये जो थर्ड ट्रायंगल है ये भी ए बी सी के सिमिलर है इसको हम कैसे लिखेंगे अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है ये वाला बी एम सी ओके बी एम सी यहाँ पे भी सेम चीजें हो जाएंगी आपको दिख रहा है दोनों में सी है ठीक है दोनों में ही सी है तो कॉमन एंगल होगा और बी और एम ये क्या होंगे राइट एंगल होंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे इसमें हमको फर्स्ट मिल जाएगा आप कोई भी स्टेप पहले लिख सकते हो कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एम सी ओके सेम रीजन बहुत इजी होता है ज्योमेट्री अगर आप एक बार समझ जाओ समझ के फिर करो तो इट इज वेरी वेरी इजी लेकिन अगर आप मगअप करोगे तो फिर ये बहुत टफ है ठीक है अब इसके बाद मैंने कहा बी इसके बाद मैंने क्या कहा था यस सी सी दोनों में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी या फिर हम इसका जो नेमिंग है वो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी बी ठीक है एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू यस इसका नाम क्या हो जाएगा एम सी बी ये मैंने आपको इसमें लिख के दिखाया ताकि आपको पता रहे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आपको तो पता ही होगा अभी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन चल रहे हैं तो यू नो दैट कॉमन एंगल सो देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल अगेन व्हाइल राइटिंग दिस पार्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ हियर एंगल ए एंगल बी हमें पता है बी इज congruent to M तो मैंने बीच वाला पार्ट लिख लिया after that C is congruent to this और फिर यहाँ पे बचा क्या this is B okay this is B so triangle ABC similar to triangle BMC इसको हमें इसलिए properly लिखना है क्योंकि जब आप side का ratio लेते हो जो मैंने आपको explain किया था पिछले video में जैसे AB is equal to BM first to later then BC is equal to MC second to later and then AC is equal to AC upon BC, okay? तो ये हमें लेना बहुत जरूरी है Now we got, see, in this one we got second. Triangle ABC is equal to triangle BMC. अब आपको first में दिखाई दे रहा है कि triangle ABC is similar to triangle AMB है और यहाँ पे triangle ABC is similar to BMC है तो ये तीनों triangle क्या हो जाएंगे देखो first one, ये हमारा first triangle है first is similar to second और यहाँ पर first is similar to थर्ड तो इससे आपको क्या पता चलता है कि फर्स्ट इज सिमिलर टू सेकेंड सेकेंड फर्स्ट इज सिमिलर टू थर्ड तो तीनों क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी कैन यू से दिस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएमबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीएमसी ओके हैव यू अंडरस्टूड दिस शुड आई एक्सप्लेन यू अगेन नाउ लिसन केयरफुली See what we are doing? A perpendicular drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle divides the triangle into two triangles. ठीक है? वो triangle को two triangle में divide करता है. Similar to each other, एक दूसरे के बराबर है. And also to the original prove it. ठीक है? हमें क्या prove करना है?
ये जो मेन बड़ा ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल है और जो ये जो दो ट्रायंगल बने ये तीनों क्या है सिमिलर है। तो हमने कैसे किया इसको, सबसे पहले हमने लिख दिया टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, आपने डायग्राम बनाया सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, फिर राइट एंगल का जो वर्टेक्स है वहां से एक परपेंडिकुलर जा रहा है वो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एम आई गोइंग वेरी फास्ट, ओके आई विल ट्राई टू डू दिस इन अ स्लो वे। नाउ बीएम इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, सो हियर यू आर गेटिंग थ्री ट्रायंगल्स, यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, तीन ट्रायंगल मिल रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी एम और ट्रायंगल एम बी सी। अब इन तीनों को सिमिलर प्रूफ करना है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिमिलर कब होते हैं दो ट्रायंगल, जब उनके या तो दो दो जो है एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, या फिर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, या फिर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो, या फिर थर्ड वन कौन सा है, यस एक साइड दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, इन बिटवीन एंगल क्या हो कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये हमें पता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी और ये जो वो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सेकंड ट्रायंगल ले लिया ए बी एम, ये दोनों ट्रायंगल लिया, बहुत इजी है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये 90 है ट्रायंगल ए बी सी में, ये 90 है, और ट्रायंगल ए बी एम में ये 90 है, दोनों 90 है, तो आपको पता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ईच 90। उसके बाद में ए बी सी और ए एम बी दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है, इजंट इट, सो ले लिया हमने कॉमन कॉमन एंगल, हमें दो एंगल्स मिल गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि आपको कैसे लिखना है, लिखने का भी आपका सही होना चाहिए, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एक, इसलिए मैंने यहाँ पे ए सिमिलर टू ए, आफ्टर दैट बी सिमिलर टू एम, तो बी इज सिमिलर टू एम, बाकी जो बचे हुए सी और बी बाद में डाल दो आप, तो ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम बी। Similarly, we are going to take this triangle, triangle BMC and triangle ABC. Original triangle, बड़ा वाला triangle जो आपको दिख रहा है, और ये third one, जिसपे मैंने third लिखा हुआ है, ठीक है? इन दोनों को लेंगे, फिर बहुत easy है, यहाँ पे हमें B 90 दिख रहा है, इस तरफ 90 है, perpendicular है, इधर भी 90 होगा, ये 90 है, ये भी 90 है, तो हमने इसको लिख दिया each 90, ये क्या हुआ? ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल बी एम सी, ये दोनों ही 90 है, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमें ए कॉमन मिल रहा था, इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, सी कॉमन मिल रहा है, तो हमने उसको लिख दिया कि एंगल ए सी बी इज सिमिलर टू एंगल एम सी बी, ठीक है, कॉमन एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा मैंने टेस्ट नहीं लिखा यहाँ पे, किससे ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, बाय ए के टेस्ट लिख सकते हो, ए के पोस्टुलेट लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे आपके, ए के टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए के पोस्टुलेट्स ऑफ सिमिलैरिटी, आप दोनों लिख सकते हो। सो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल है सेकेंड के और फर्स्ट इक्वल है थर्ड के, तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हमने इसलिए तीनों को इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मगअप नहीं करना है आपको, आपको पहले समझना है, डायग्राम बनाना है, कभी भी जब आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आपको डायग्राम खुद से बनाने आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो आपका वही हो गया कि आपको डायग्राम आ रहा है, फिर आप उसमें समझ के करो। जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में भी बोला था, अब आपका एग्जामिनेशन टाइम स्टार्ट है, एग्जाम आने वाले हैं आपके, तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस 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 जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, बहुत टाइम देना है और लिखकर प्रैक्टिस करनी है, पहले डायग्राम बनाओ और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।